अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट वीक अराउंड ईद से एक हफ्ते पहले ऑनलाइन टीम ने ब्यूटी पॉइंट के इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर की थी कि लोरियाल का उनको लीगल नोटिस आया है और इस बारे में वो वीडियो एक बना के डिटेल में बताएंगे। ये वीडियो बहुत लंबी है तो इस वीडियो में पहले मैं आपको बता दूँ कि कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि इस there is anything of your interest, you can watch it, या फिर आप वीडियो को स्किप कर दें, यू डोंट हैव टू वॉच इट। ओके, इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोरियाल और ब्यूटी पॉइंट का कॉन्फ्लिक्ट क्या है। ब्यूटी पॉइंट बार बार लोरियाल पाकिस्तान के अगेंस्ट क्यों बोलता है कि वी डू नॉट बाई अवर नेक्स्ट प्रोडक्ट फ्राम लोरियाल पाकिस्तान, वी बाई अवर प्रोडक्ट फ्राम USA। बार बार ब्यूटी पॉइंट मेबेलिन के चाइनीज़ वेरिएंट को क्यों डिस्कस करता है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मेबेलिन चाइना एंड मेबेलिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? और जो भी इनके ऑफिशियल रिटेल ऑथराइज पार्टनर्स हैं लोरियाल के, जो लोग लोरियाल में काम कर रहे हैं, जो लोग लोरियाल के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर रहे हैं, उनके लिए मैसेज है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप समझें इसी वीडियो में डिस्कस होगी कि व्हाई ब्यूटी पॉइंट इज सेलिंग लोरियल ब्रांड्स, व्हाई ब्यूटी पॉइंट इज सेलिंग मेबेलिन, व्हाई ब्यूटी पॉइंट इज सेलिंग नेक्स कॉस्मेटिक्स। कि भाई अगर लोरियल से इतने ही प्रॉब्लम है तो मेबेलिन और लोरियल और नेक्स को बाइकआउट क्यों नहीं कर देता है? इस वीडियो में आपको समझाऊंगा क्यों नहीं। ओके, सबसे पहले ये क्लियर कर दो, भाई मेबेलिन लोरियल का ब्रांड है। मैं कल परसों ही किसी के कुछ ब्लॉग्स पढ़ रहा था यार, जिसमें लोग लिख रहे हैं कि मेबेलिन न्यूयॉर्क जो है वो USA कंपनी, वो फ्रेंच कंपनी नहीं है, इसलिए उसका नाम जो है इससे इस मेबेलिन न्यूयॉर्क, सो दिस इज़ अ US कंपनी, दिस इज़ नॉट अ फ्रेंच कंपनी। एक रीसेलर कह रहा है कि मेबेलिन के ज़्यादातर शेयर ओन बाय मेबेलिन न्यूयॉर्क, नॉट बाय लोरियाल। भाईजान अगर ऐसा होता ना तो मेबेलिन के प्रोडक्ट्स के ऊपर लोरियाल पाकिस्तान का स्टिकर नहीं लगा होता, लोरियाल पाकिस्तान पे मेबेलिन न्यूयॉर्क का स्टिकर लगा होता, मेबेलिन लोरियाल के ग्रुप में शो नहीं हो रहा था, लोरियाल मेबेलिन के ग्रुप में शो हो रहा होता। आप लोग क्यों इस कॉम को झूठ बोल रहे हैं कि मेबेलिन लोरियाल का प्रोडक्ट, लोरियाल का ब्रांड नहीं है, मेबेलिन फ्रेंच ब्रांड नहीं है? ये बोल के आप लोग शायद दो चार फिट मी फाउंडेशन ज़्यादा बेच लेंगे या दो चार बेबी स्किन प्राइमर ज़्यादा बेच लेंगे, देन व्हाट? प्लीज़ ऐसा मत करो, इस कॉम को, बहुत भोली कॉम है हमारी, इस कॉम को यार बेवकूफ़ ना बनाइए। ओके, शुरू करते हैं। लोरियाल के साथ ब्यूटी पॉइंट ने जो थोड़ा बहुत बिजनेस डीलिंग की थी, आई थिंक दैट वॉज इन ईयर 2019, उससे पहले ब्यूटी पॉइंट सारा नेक्स्ट प्रोडक्ट USA से इंपोर्ट कर रहा था। 2019 में लोरियाल पाकिस्तान ने ब्यूटी पॉइंट को अप्रोच किया कि नेक्स कॉस्मेटिक लोरियाल का ब्रांड है और वी आर नाउ ऑफिशियली लॉन्चिंग नेक्स प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान, तो आप हमसे ले लें और लाइक बी आवर ऑफिशियल लाइक रिटेल पार्टनर काइंड ऑफ थिंग। तो हमने उनको अग्री किया। 2019 में हमने उनसे प्रोडक्ट्स लिए, उसमें निक्स था, मेबेलिन था। मेबेलिन उससे पहले हम लोग कैरी नहीं करते थे, 2019 से पहले हमने कभी मेबेलिन नहीं रखा था। जब ये प्रोडक्ट ब्यूटी पॉइंट के स्टोर पे और ऑनलाइन आया, निक्स का प्रोडक्ट जो कि सॉफ्ट मैट लिप क्रीम्स की स्पेशली बात करूँगा, हम लोगों ने काफ़ी सारी इनसे ली और रीसेल की कस्टमर्स को। 2017-2018 से जो लोग निक्स सॉफ्ट मैट लिप क्रीम यूज़ कर रहे थे, जो दराज से नहीं ले रहे थे, दराज में भी लोरियाल पाकिस्तानी बेच रहा था, मैं वो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो दराज से नहीं ले रहे थे, जो प्राइवेट पेजेस से ले रहे थे, जिसमें एक दो अच्छे नाम हैं, आई वुड से कॉस्मेटिक प्लानेट, इंटरनेशनल मेकअप इन पाकिस्तान, जो इन लोगों से निक्स ले रहे थे, ये सब का सब निक्स वो बेच रहे थे जो USA से इम्पोर्ट किया हुआ है। ये कोई भी लोरियाल पाकिस्तान का प्रोडक्ट नहीं बेच रहे थे, इसलिए 2018 तक तो लोरियाल ने फुल फ्लैश निक्स लॉन्च भी नहीं किया था पाकिस्तान में।
हम लोगों ने जब लोरियल पाकिस्तान का प्रोडक्ट रखा निक्स का, और हमारे जो कस्टमर्स थे उससे पहले यूएसए का निक्स यूज़ कर रहे थे, तो कस्टमर दो टाइप के थे, एक वो जो 2017 से पहले से निक्स यूज़ कर रहे हैं, एक वो जिन्होंने 2019 के बाद यूज़ करना शुरू किया या 2018 के बाद यूज़ करना शुरू किया। जिन्होंने बाद में यूज़ करना शुरू किया उन्हें कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ, इसलिए कि उन्होंने कभी यूएसए वेरिएंट यूज़ ही नहीं किया हुआ। लेकिन जो हमारे वो क्लाइंट जो पहले से यूज़ कर रहे थे उन्होंने हमें काफ़ी कंसर्न्स रेस किए कि भाई ये सॉफ्ट मेटलिक क्रीम इज़ नॉट सेम एज व्हाट वी यूज्ड टू गेट फ्रॉम योर स्टोर। उन्होंने हमारे ऊपर उंगलियां उठाई कि शायद हम उसकी अब फर्स्ट कॉपी बेचना शुरू हो गए, हम शायद फेक निक्स बेचना शुरू हो गए, और हमें ये कॉन्फिडेंट था कि हम तो डायरेक्ट लोरियल से ले रहे हैं, सो देर इज़ नो चांस ऑफ बींग फेक प्रोडक्ट। हमने पहले कस्टमर की कंप्लेंट को इग्नोर किया, लेकिन हमने अपने कंसर्न लोरियल तक पहुंचा दिए कि भाई कस्टमर का ये इशू आ रहा है। लोरियल वालों के पास एक ही लाइन थी, वो रटी हुई लाइन के भाई निक्स बिलोंग्स टू लोरियल एंड लोरियल इज ऑफिशियली पार्ट निक्स, तो एक ही प्रोडक्ट है पूरी दुनिया में, हम एक ही क्वालिटी मेंटेन रखते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक ही लाइन उन्होंने मुझे दे दी। और वो हम अपने कस्टमर को बोलना शुरू हो गया कि भाई हम लोरियल से डायरेक्ट ले रहे हैं, देर इज़ नो चांस ऑफ बीइंग रेप्लिका और फेक प्रोडक्ट। अब हमें कस्टमर्स की 3, 4, 5, 6 लोगों की कंप्लेंट शुरू हो गई कि भाई ये निक्स का प्रोडक्ट वो नहीं है जो हम आपसे 2 महीने पहले लेके गए थे, ये टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट दिखने में बिल्कुल सेम है, हम लोग भी फ़र्क नहीं बता सकते कि इसमें से यूएसए वाला कौन सा है और लोरियल पाकिस्तान वाला कौन सा है। तो मैंने ये फैसला किया कि भाई मैं अपने कस्टमर्स को सुनूंगा, कस्टमर अगर कह रहा है कि प्रोडक्ट सेम नहीं है तो प्रोडक्ट सेम नहीं है। लोरियल वालों के पास एक ही रीज़न वो था, लाइन वही सेम सेंटेंस के वी आर यूजिंग सेम क्वालिटी फॉर एवरी रीजन ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन भाई आपकी लेबॉरेटरी रिपोर्ट मेरे किसी काम की नहीं है अगर कस्टमर कह रहा है कि प्रोडक्ट डिफरेंट है। तो मैंने उनसे निक्स डिसकंटिन्यू कर दिया, अब मैंने उनसे निक्स लेना बंद कर दिया। दैट वाज बैक इन 2019। अब मेबिलिन में भी यही सेम सिनेरियो हो गया, मेबिलिन 2018-19 में जो आ रहा था, 2017-18 में वो आ रहा था यूरोपियन वेरिएंट और यूएस वेरिएंट, 2019 के एंड में और 2020 के फर्स्ट हाफ में एक फ्लड हो गया, मेबिलिन चाइना का वेरिएंट आना शुरू हो गया। फिर उसमें भी दो किस्म के लोग थे जो पहले मेबिलिन यूएस वेरिएंट और यूरोपियन वेरिएंट यूज़ कर चुके थे, और अब जो चाइनीज़ वेरिएंट ले रहे थे उनको पता था कि प्रोडक्ट इज़ नॉट सेम। लेकिन जो लोग 2019 के बाद लेना शुरू हुए उनको कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए कि उन्होंने सिर्फ चाइनीज़ वेरिएंट यूज़ किया हुआ था। तो ये अब मुझे कस्टमर की बात इसलिए माननी पड़ी कि निक्स में मैं ये पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका था कि निक्स के साथ इन्होंने ये किया है, तो डेफिनेटली मेबिलिन में भी हो सकता है, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो मैंने मेबिलिन भी इनसे डिसकंटिन्यू कर दिया। सॉरी, तो 2019 के एंड में मैंने निक्स भी ख़त्म हो गया था और मेबिलिन भी हम लोग कैरी नहीं कर रहे थे, और हर पेज पे, हर लाइक स्टोर पे एक सेल चल रही थी, 35% ऑफ, 40% ऑफ, फ्री डिलीवरी, इसके साथ ये ले लो, उसके साथ वो ले लो, और सब का सब मेबिलिन चाइनीज़ वेरिएंट पे सेल चल रही थी, जो कि मुझे पता चल रहा था एज आई एम इन दिस बिजनेस फॉर मेनी इयर्स कि भाई क्वालिटी सेम नहीं है और ये आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, मोर देन 90% ऑफ मेबिलिन यूज़र्स, उन्होंने यूएस वेरिएंट और यूरोपियन वेरिएंट कभी यूज़ ही नहीं किया, तो उनको फ़र्क महसूस नहीं हो रहा था, दे आर हैप्पी कि सेल चल रही है, रोज़ाना सेल लग रही है, दे आर वेरी हैप्पी। मैं इग्नोर करता चला गया, हमें कोई कंसर्न नहीं था कि क्या चल रहा है, हम अपने एक दूसरे कामों में काफ़ी बिजी थे। फिर 2020 में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। फ्रांस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्केचेस बनाए गए, और फिर मेरी लोरियल वालों से बात हुई थी जब उनके फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा था कि हम किसी कीमत पे अपने स्केचेस नहीं छोड़ेंगे और हम हर साल उसका एक कंपटीशन कराएंगे। तो यहाँ से ब्यूटी पॉइंट
ने लोरियल को टारगेट करना शुरू किया। लोरियल फ्रांस से इतना बिजनेस नहीं करता जो पाकिस्तान से करता है। लोरियल इसराइल से इतना बिजनेस नहीं करता इसराइल एंड फ्रांस से कंबाइन जितना वो पाकिस्तान से बिजनेस करता है। पाकिस्तान में वो देता है चाइनीज़ वेरिएंट, और उन्होंने कोई लेटर ऑफ कंडेमशन इशू नहीं किया कि भाई प्रेसिडेंट ने जो बोला है हम उसको कंडेम करते हैं, नथिंग लाइक दैट, कुछ भी नहीं। मतलब ये कंपनी सिर्फ इस मुल्क में बैठी हुई थी कि यहाँ से पैसा जोड़ो, पैसा कमाओ, चाइनीज़ वेरिएंट भेजो और बस फ्रांस ले जाओ। इन्होंने मुझसे कहना शुरू किया कि भाई ये फ्रांस का प्रोडक्ट इसलिए रखते हैं, इन्होंने मुझे कहना शुरू किया कि ये चाइनीज़ वेरिएंट इसलिए रखते हैं कि चाइना को लॉजिस्टिकली अरेंज करना आसान है, चाइना बराबर में है, इनको सस्ता पड़ता है लाने के लिए। तो ये वो टाइम था जो पूरी दुनिया फ्रेंच प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करने की कॉल कर रही थी, इस्लामिक वर्ल्ड, स्पेशली इन पाकिस्तान। और ये वो टाइम था जब ब्यूटी पॉइंट ने डिसाइड किया कि हम 20 करोड़ लोगों को बाइकआउट नहीं करवा सकते, देयर इज नो वे वी कैन डू इट, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, वी कैन नॉट डू इट। हम 20,000 सेलर्स जो बोल्टन मार्केट कराची में, शालम जो लाहौर का होलसेल मार्केट है, जो राजा बाजार है, उनको कन्विंस नहीं कर सकते लोरियल का प्रोडक्ट ना बेचो। देन वी कम अप विद दिस प्लान के ओके इस टाइम के निक्स और लोरियल को और मेबेलिन का प्रोडक्ट अरेंज किया जाए यूएसए से और यूरोप से, और उस मार्जिन पे बेचा जाए, इतने मार्जिन लो कर दी जाए कि लोरियल पाकिस्तान में बिजनेस करना उनके लिए आसान ना हो। जब मैंने लोरियल मेबेलिन का प्रोडक्ट मंगाया यूएसए और यूरोप से, तो वो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यू फिट मी का जो ट्यूब फाउंडेशन है मेबेलिन का यूरोपियन वेरिएंट, वो हम बेच रहे थे 1,000 रुपये का, और होलसेल उसकी थी अराउंड 900 रुपीज़। तो अगर मैं 900 में इसकी होलसेल कर रहा था तो माई कॉस्ट वॉज अराउंड 800 समथिंग। लोरियल कहता है कि वो चाइना से प्रोडक्ट इसलिए सोर्स करता है कि उसको सस्ता पड़ता है, क्वालिटी सेम है, देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद द क्वालिटी, द ओनली रीज़न दे सेल चाइनीज प्रोडक्ट बिकॉज इट्स लॉजिस्टिकली कॉस्ट देम चीपर। तो मैंने इनसे कहा, यार आप लोग चाइना का फिट मी का ट्यूब 30 ml प्राइस आपकी है 1799 और मैं बेच रहा हूँ 1,000 रुपीज़ का यूरोपियन वेरिएंट, तो ये सस्ता कैसे हुआ? ये सस्ता तो नहीं हुआ, ये तो आप ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे बेच रहे हो, इसलिए कि मैं 900 की होलसेल कर रहा हूँ और 1700 का आपका रिटेल टेक है, तो प्राइस इज ऑलमोस्ट डबल, तो ये सस्ता तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि आप चाइनीज़ वेरिएंट जो कि आप खुद कह रहे हो कि सस्ता होता है, अगर मुझे 800 रुपये का यूरोपियन वेरिएंट है तो चाइनीज़ वेरिएंट शुड बी अराउंड 600 रुपीज़, आप बेच रहे हो उसको 1700 का। फिर आप आए दिन हर तीसरे दिन सेल चल रही होती है 40% ऑफ 35% ऑफ के बाद आप 1200 रुपये का बेच रहे हो, 1100 का बेच रहे हो, जो कि प्रोडक्ट ओरिजिनली है ही 600 का, एज़ पर योर ओन वर्ड्स कि चाइना का वेरियंट हम इसलिए मंगाते हैं कि वो सस्ता पड़ता है। तो यहाँ एक और रीज़न आ गया कि भाई ये फेक सेल साल के 365 दिन चल रही है, कभी इस साइड पे कभी उस साइड पे, और आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि जो प्रोडक्ट खुद वो कह रहे हैं कि 600 रुपये का है उसमें 1700 रुपये का प्रिंट किया गया और 30% पे ऑफ पे चल रहा है, और हमारी भोली भाली कौम खुश हो रही है कि हर तीसरे दिन मेबेलिन और लोरियल सेल लगा देते हैं, हर तीसरे दिन निक्स पे सेल लग जाती है। भाई रियल सेल कभी भी एक साल में 2 दिन से ज़्यादा नहीं लग सकती, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मरतबा। इनकी सेल कभी इस साइड पे चल रही होगी 5 दिन, फिर यहाँ से डिसकंटिन्यू होकर फिर दूसरी साइड पे शुरू हो जाएगी, फिर यहाँ से डिसकंटिन्यू होकर फिर इनकी तीसरी साइड पे शुरू हो जाएगी। ये एक पैटर्न इनका चल रहा है पिछले साल 1.5 साल से। तो ये भी समझ आ गया कि भाई इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ 22 करोड़ लोग अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या सोचते हैं, क्या सेंटीमेंट रखते हैं। इनको ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो प्रोडक्ट वेरिएंट कौन सा बेच रहे हैं, 600 के प्राइस प्रोडक्ट को 1700 का टैग करके 30% ऑफ करके बेचा जा रहा है, और आवाम भी खुश है। आवाम का कसूर नहीं, आवाम हमारी बड़ी सीधी है,
भोली जब सेल दिखती है उनको लग जाता है साइकोलॉजिकली कि भैया वाकई कोई रियल सेल, कोई रियल डील चल रही है, ऐसा कुछ नहीं. इस केस में एटलीस्ट ऐसा कुछ नहीं. अच्छा, ये मेड इन चाइना का जब प्रोडक्ट है, मैं उसका आपको डिफरेंस बताता हूँ. मेड इन चाइना यूरोपियन और US वेरिएंट में फ़र्क क्या है, ये ज़रा समझने की आप कोशिश कीजिएगा. जब हम कहते हैं कि हम निक्स का प्रोडक्ट USA से ले रहे हैं, जब हम एबिलिन का प्रोडक्ट यूरोप से ले रहे हैं या USA से ले रहे हैं, इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट USA कंज्यूमर के लिए बनाया गया था, वो प्रोडक्ट यूरोपियन कंज्यूमर के लिए बनाया गया था, वो प्रोडक्ट हम पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं. ये जो प्रोडक्ट है लॉरियल पाकिस्तान जो बेच रहा है वो पाकिस्तानी कंज्यूमर के लिए बनाया जा रहा है एज पर पाकिस्तानी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जो कि अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में नहीं है. हम जो चीज़ें खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, इसी मुल्क में ऐसा कोई इदारा नहीं कि उसके रॉ मटेरियल्स चेक करें. तो कॉस्मेटिक के रॉ मटेरियल्स चेक करना तो भूल ही जाए ना. हम वहाँ का प्रोडक्ट ला रहे हैं जो US कस्टमर के लिए बना है, जो यूरोपियन कस्टमर के लिए बना है, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए बना है, जहाँ उनको पता है कि अगर प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम या इशू क्रिएट हुआ तो उनकी कंपनी बंद हो सकती है. यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई जो फिटमी 30 ml का ट्यूब है वो खाली क्यों है, उसमें तो 10 ml भी शायद किसी किसी में नहीं निकल रहा. यहाँ तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है ना जो इनको चेक कर सके. तो ये आप ज़रा इसको समझने की कोशिश कीजिए. प्रोडक्ट डेफिनेटली लॉरियल की फैक्ट्री चाइना में बन रहा है, लेकिन बन रहा पाकिस्तानी मार्केट के लिए, फॉर पाकिस्तानी कस्टमर एज पर पाकिस्तानी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. अब इसमें इन्होंने कहा कि अब इसका एक और पॉइंट ये है कि जैसे एलेगर्ल वेट एंड वाइल्ड ये भी चाइना है, सो व्हाट्स द डिफरेंस. भाई एलेगर्ल वेट एंड वाइल्ड आप चाहे जर्मनी चले जाएँ, चाहे UK चले जाएँ, चाहे USA चले जाएँ, आपको एक ही वेरियंट मिलेगा, मेड इन चाइना. उनके पास कोई अलग वेरिएंट नहीं है. लेकिन मेबिलिन के साथ ये सीन है कि आप यूरोप जाएंगे तो आपका वहाँ यूरोपियन वेरिएंट मिलेगा, USA जाएंगे तो आपको US वेरिएंट मिलेगा. उन्होंने हर कंट्री के लिए, हर फर्स्ट वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए हुए. ये प्रोडक्ट यूरोप में बिकेगा, ये प्रोडक्ट यहाँ बिकेगा, ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में, इंडिया में बिकेगा, जहाँ कोई पूछने वाला नहीं है. एक मिसाल से आपको एक बात समझाता हूँ, होपफुली ये आपकी बात, जो आपके कंफ्यूजन है, कंसर्न है, क्लियर हो जाएंगे. यूनिलीवर पाकिस्तान में, उसकी कराची में फैक्ट्री है, सॉरी वो यूनिलीवर डव शैम्पू बनाता है, सनसेट बनाते हैं, ट्रेस में बनाते हैं, कराची में यूनिलीवर की फैक्ट्री में बन रहा है, राइट? 100% ओरिजिनल. वही डव, वही सनसेट, वही ट्रेस में जब UK में मिलता है तो क्वालिटी बिल्कुल चेंज होती है. UK तो बहुत दूर हो गया, हम बराबर में देख लेते हैं दुबई में. दुबई का डव और पाकिस्तान का डव, कराची का डव, दुबई का सनसेट शैम्पू और कराची का सनसेट शैम्पू, कोई पाकिस्तान में एक बंदा बोल दे कि सेम है. बना दोनों यूनिलीवर रहा है, वहाँ यूनिलीवर मिडल ईस्ट बना रहा है, यूनिलीवर कराची बना रहा है, कोई एक पाकिस्तान में बंदा बता दे कि सेम प्रोडक्ट है. लेकिन जब आप यूनिलीवर से कांटेक्ट करेंगे वो बोलेंगे सेम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, वी हैव अ स्ट्रिक्ट रेगुलर और प्रोटोकॉल जिसको हम फॉलो करते हैं. लेकिन एंड यूज़र कह रहा है कि प्रोडक्ट सेम नहीं है. आज भी 2021 में कोई बंदा मिडल ईस्ट से आ रहा होता है, उसके रिश्तेदार उससे कहते हैं कि यार फ़लाँ स्टोर से कंडीशनर उठा ले, फ़लाँ स्टोर से डव का ये प्रोडक्ट उठा लो, वो उठा लो, because we know the product is quality is not same thing with Maybelline. अगर आप समझ रहे हो कि चाइना में वही क्वालिटी बन रही है जो USA में बन रही है, तो that's up to you to believe this. लेकिन मैं अपने कस्टमर की बात मानूंगा जिन्होंने 2016-17 में निक्स और Maybelline यूज़ किया हुआ था यूरोपियन वेरियंट, आज वो कहते हैं कि चाइना वेरियंट इज़ नॉट द सेम. मैं इनकी रिपोर्ट्स नहीं मानता, मैं इनके वो नहीं मानता कि Maybelline हैव अ फैक्ट्री इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. वही चीज़ है जैसे यूनिलीवर की भी डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में फैक्ट्री है, लेकिन क्वालिटी बिल्कुल सेम नहीं है. ये तो हो गया इनका क्वालिटी इशू. अब ये जो इन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इनसे लॉरियल से बात हुई थी, मैंने कहा जो फ्रेंच प्रेसिडेंट ने ये बात की आप उसको कंडेम कर दें,
खैर इन्होंने बात इग्नोर कर दी. दिस पीपल आर हियर जस्ट टू मेक मनी. कोई भी वेरिएंट बेचो, कुछ भी बेचो. कुछ ब्लॉगर्स, कुछ लोगों को हायर करो जो उनकी बांसुरी बजाते रहेंगे पूरे सोशल मीडिया पे और बेचते रहो. हर फॉरम पे ये कहा जा रहा है कि भाई जो एज इवेंट कंसीडर है उसकी कोई कवरेज नहीं है. एज इवेंट कंसीडर इज नॉट सेम एज इट वॉज यूज टू बी. इसलिए कि पहले जो आज से 3 साल पहले एज इवेंट कंसीडर आ रहा था वो मेड इन यूएसए का बिक रहा था, वो मेड इन यूरोप का बिक रहा था. अब जो एज इवेंट कंसीडर है चाइना है. इनके पास वो एक ही जवाब है कि मे बी हैव अ डिफरेंट फैक्ट्री इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बट दे मेंटेन सेम क्वालिटी. लेकिन कंज्यूमर कह रहे क्वालिटी इज नॉट सेम एंड आई विल गो विद माई कस्टमर वर्ड्स. आई विल नॉट बिलीव वट दे हैव टू से. और अब लोरियल की तो बात ख़त्म इस पर हो गई कि उन्होंने जो फ्रेंच कंपनी ने जो ये कर दिया था कि उन्होंने कंडेम नहीं किया था अपने प्रेजिडेंट की बात को कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो स्केचेस है उसको कंडेम नहीं करेंगे. तो यहाँ से ब्यूटी पॉइंट ने अपने तौर पे इनका माल दोबारा रिस्टॉक करना शुरू किया और इतने मार्जिन लो कर दिए, इतने प्राइस कम कर दिए कि अब ये फ्रीली बिजनेस नहीं कर सकते. इन्हीं के प्रोडक्ट्स पे इन्हीं का सर का दर्द बन गया हमने. ब्यूटी पॉइंट इन्हीं के ब्रांड्स मेबिलिन नेक्स. We don't carry too many products of L'Oreal, so Maybelline or NYX. इन्हीं के products पर मैं इनके लिए सर का दर्द बन गया. काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि आप भी तो इनके ब्रांड्स बेच रहे हैं, सो व्हाट्स द डिफरेंस. डिफरेंस ये है कि मुझे लीगल नोटिस आया है. सो यू नो आई एम नॉट सेम एज देयर ऑफिशियल रिटेल पार्टनर्स. वो उनके आई वुड से चाहते हैं, मैं उनका चाहता नहीं हूँ. उन्हीं के ब्रांच में मैं उनके लिए सर का दर्द हूँ, तभी मुझे लीगल नोटिस आ रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. फिर ये अभी सारी कहानी जो अभी ईद से 2-4 दिन पहले शुरू हुई गज़ा और इसराइल की. बाय द वे L'Oreal इज नॉट इसराइली कंपनी. ना L'Oreal इज नॉट एन इसराइली कंपनी. L'Oreal के ऑनर ज्यूज है. ज्यूज़ और इसराइल का क्या ताल्लुक है देयर एवरीवन नोस. तो L'Oreal तो इसराइली कंपनी नहीं है, जियो की कंपनी है. और ज्यूज़ में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होते, वो इसराइल और ज्यूज़ दे आर सेम. तो ये तो ब्यूटी पॉइंट इस बात को कभी नहीं कहा कि जियो के इसराइली कंपनी और जियोज़ की कंपनी है. तो अब L'Oreal के साथ हमारे पहले एक पंगा था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने स्केच बनाया, उसको कंडेम नहीं किया. उनके फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा कि वो हर साल इसका कंपटीशन कराएंगे. L'Oreal डिसाइडेड टू साइलेंट ऑन दिस थिंग. कोई कंडेमनेशन नहीं थी. वो सिर्फ पाकिस्तान में बैठे हैं यहाँ से पैसा कमाने के लिए, वर्स्ट वेरिएंट बेचने के लिए. दैट्स इट. दे डोंट गिव लाइक यू नो डैम अबाउट के 20 करोड़ लोग अपने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या सोचते हैं, 20 करोड़ लोग अपने क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा के बारे में क्या सोचते हैं. अभी यहाँ पे जो L'Oreal का ऑफिस है डॉन एंड मॉल क्लिफ्टन कराची में, सर आप एक ट्वीट कर दें इसराइल के बारे में, इसराइल का जो टेररिज्म है अगेंस्ट फलस्तीन, दे विल नेवर डू इट. L'Oreal इज नॉट Israeli company, but they will never do it. So you know the connection. अब इसमें काफ़ी सारे एंगल्स हैं कि लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं. जो लोग L'Oreal के ऑफिस में काम कर रहे हैं, याद से नहीं, ये सदियों से हो रहा है कि मुसलमानों के बीच में मुसलमानों के नाम वाले, मुसलमानों के चेहरे वाले लोग रखे जाते हैं और वो उनसे पैसे लेकर फ्रेंच इंटरेस्ट. खैर सदियों पहले तो फ्रेंच इंटरेस्ट नहीं था, सदियों पहले यहूद के इंटरेस्ट थे जो आज भी हैं. मुसलमानों से, मुसलमानों में रहकर मुसलमानों को रखा जाता है कि वो यहूद के लिए काम करते हैं. और यहाँ पे ये काम कौन कर रहा है? L'Oreal का जो ऑफिस है डॉन एंड मॉल क्लिफ्टन में. कोई एक एम्प्लॉई उनका फ़लस्तीन के बारे में
ट्वीट नहीं कर सकता, कोई एक एम्प्लॉय उनके इसराइल के बारे में ट्वीट नहीं कर सकता, इसलिए कि वो उनके लाइक यू नो दे आर जस्ट पपेट्स, मुस्लिम नेम्स वाले, मुस्लिम दिखने वाले, और उनका मुसलमानों के बीच में बिठाए हुए कि भाई आपका काम है ज्यूज़ इंटरेस्ट और फ्रेंच इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना, और इन सब का एक ही रीज़न है। देन व्हेन विल यू आस्क देम कि भाई आप क्यों कंडेम नहीं करते हैं जो भी इनके ब्रांड एम्बेसडर है, दे विल नेवर ट्वीट एनीथिंग अगेंस्ट इज़राइल, दे विल नेवर ट्वीट एनीथिंग इन फेवर ऑफ फलस्तीन्स, और जो उनकी लीगल टीम है जिन्होंने मुझे ये लीगल नोटिस भेजा था, उनके पास एक ही रीज़न है व्हाई दे वुड नॉट डू इट। वो कहते हैं कि वी आर प्रोफेशनल, वी विल नेवर मिक्स अवर करियर विद रिलीजन, वी आर बीइंग प्रोफेशनल। नाउ लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि व्हाट्स दैट मीन, बीइंग अ प्रोफेशनल व्हाट्स दैट मीन, बीइंग अ प्रोफेशनल मीन्स वी वर्क फॉर मनी, दिस आर अनदर वे टू से इट, वी वर्क फॉर मनी ओनली, आपकी जेब में पैसा है, इफ नंबर्स आर राइट आई एम ऑन योर साइड, आप मुझे पैसा दें और हम प्रोफेशनल हैं, आप जो बोलेंगे हम करेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दूसरे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के साथ क्या कर रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मस्जिद अक्सर में क्या कर रहे हैं, सर आप हमें पैसे दें एंड वी आर जस्ट प्रोफेशनल, वी आर ऑन योर साइड। That's the meaning of being a professional. That's the meaning of when someone says, I don't want to mix my career with religious sentiments. So, this is not from the centuries that Yahud benefits Muslims safeguard for a few pesos. Okay, and one more thing I want to skip here. लोरियल पाकिस्तान का एक रिटेलर है, उसने किसी कहीं जगह लिखा था कि यार तो क्या हो गया अगर मेबेलिन चाइना का बेच रहे हैं, एप्पल फ़ोन भी तो चाइना का बनता है, आईफोन भी तो चाइना का है, तो यार खुदा के बंदे तुम पता नहीं पाकिस्तानियों को बिल्कुल ही अक्ल से पैदल समझ रहे हो। दुनिया में पूरी पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया वालों को अगर ऑफ़र कर दी जाए कि भाई एप्पल आईफोन में तीन वेरिएंट है, एक यूएस वेरिएंट है, एक यूरोपियन वेरिएंट है, एक चाइनीज़ वेरिएंट है, और उनको चॉइस दे दी जाए कि कौन सा लेना है, मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में एक फ़ोन भी चाइना वेरियंट का बिकेगा। ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं, किस किस्म के एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। पहले इनका एक्सक्यूज़ था कि चाइना से हमें सस्ता पड़ता है, जो कि गलत बात हो गई, आप चाइना से सस्ते नहीं, हम यूएसए से माल मंगा के आपके चाइना से आधे प्राइस पे बेच रहे हैं, फेक प्राइस फेक सेल 365 दिन चल रही है, आज सेल ख़त्म होगी दो दिन के बाद दोबारा आ जाएगी किसी और साइट पे, चार दिन के बाद दोबारा इसी साइट पे पहली साइट पे आ जाएगी, आवाम बेवकूफ़ बन रही है, भोली भाली आवाम है हमारी। अब आवाम का क्या पर्सपेक्टिव है, आवाम के पास कोई ऑप्शंस नहीं है, क्या करें भाई अगर मेबेलिन यूज़ ना करें और नेक्स यूज़ ना करें, सो व्हाट दे डू। मेरे जितने भी लोग, जितने भी कॉम्पिटिटर्स ऑनलाइन लोरियल का प्रोडक्ट्स बेचते हैं, लोरियल का ब्रांड्स बेचते हैं, भाई आपके पास भी कस्टमर हैं, यू नो द फीडबैक, यू नो एलिगल फाउंडेशंस, वेट एंड वाइल्ड फाउंडेशंस आर मच बेटर देन फिट मी फाउंडेशन, एलिगर का कंसीलर एज रिवेंट कंसीलर से कहीं ज़्यादा बेहतर है। मैं नहीं कह रहा हूँ, अपने क्लाइंट से पूछ लें, आप लोगों के पास कस्टमर फीडबैक्स है ना, वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस कंसीलर फिट मी कंसीलर से बेहतर है। आप क्यों लोरियल के पीछे पड़े हैं भाई, क्यों लोरियल की ब्रांड्स बेचने के पीछे पड़े हुए हैं आप लोग। हम लोग 10-15 लोग हैं इस मुल्क में जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो ओरिजिनल में काम कर रहे हैं, जो फेक में काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक हर सेलर अपना अपना एक ब्रांड बना ले, उस ब्रांड को FDA से EU से सर्टिफाइड कराए, CE सर्टिफिकेशन कराए, जस्ट टू मेक श्योर कि सबके ब्रांड एज़ पर इंटरनेशनल क्वालिटी। हम लोग एक MOU साइन कर लेते हैं कि मैं अपने अलावा 9 सेलर और हैं उनके ब्रांड्स भी अपने प्लेटफॉर्म पर बेचूँगा,
और सारे के सारे 10 सेलर हम एक दूसरे का ब्रांड्स बेचते हैं. व्हाई डू वी नीड लोरिया, व्हाई डू वी नीड मेबेलिन एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट्स? आप लोग ये करने के लिए रेडी हो जाएं, एग्री करें, सब एक एक ब्रांड बनाएं और हर बंदा हर किसी का ब्रांड बेचेगा. लेट्स मेक एन सम काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन, यू नो. आप ये करें, बाकी सारे ब्रांड्स पे प्राइस लॉक करने के लिए रेडी हूँ. एलेगल वेट एंड वेल पे हम किसी प्राइस मैकेनिज्म पे रेडी हो जाते हैं. आप मेबेलिन को निक्स को डिच करें, आप नहीं करेंगे, दैट्स अप टू यू. आपको लोरियल की वाह चाहिए कि भाई हम लोरियल के बहुत अच्छे सेलर हैं, हमने लोरियल के गार्नियर के बहुत हेयर कलर अच्छे बेच लिए, हमने लोरियल के शैम्पू बहुत अच्छे बेच लिए, हमने मेबेलिन बहुत ज़्यादा बेच लिया. आपको लोरियल की वाह चाहिए, योर चॉइस. मुझे लोरियल की वाह नहीं चाहिए, मुझे मर के लोरियल को मुंह नहीं दिखाना, मुझे मर के फ्रेंच प्रेसिडेंट को मुंह नहीं दिखाना, मुझे हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सामने हाज़िरी देनी कि जिस दिन मैं मरा था मैं इस फ्रेंच और इस जीव कंपनी के लिए सर का दर्द होकर मरा था. ये मेरे लिए आज के दौर का जहाद है. मुझे इनकी वाह लेके नहीं मरना, मुझे इनके वो नहीं चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ बेस्ट रिटेलर, आई डोंट वांट ऑल दैट. मेरे लिए ये एहसास की बात है कि मैं इनके लिए सर का दर्द हूँ, भले छोटा सा हूँ, छोटे से बट हूँ. हम लोगों में से जो मुसलमान हैं, अक्सर के दिमाग में ख्याल कभी ना कभी आता होगा कि यार हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वल दौर में अगर पैदा हुए होते, काश हम भी सहाबा के और बदर के सहाबा में से होते, काश हम भी मक्का जो पहले ईमान लाए उनमें हमारी गिनती होती, तो हम भी जन्नत में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबियों में होते. तो भाई आज आपको मौका मिला है, आज आप खड़े हो यहूद के सामने, फ्रेंच लोगों के सामने जो उनके स्केचेस बना रहे. मैं उन्हीं का सामान लेकर उन्हीं का सर का दर्द बनाऊँ? अगर कोई ये बंदा कहता है कि भाई का ब्यूटी पॉइंट भी तो वही ब्रांड बेच रहा है, तो ये बात समझे, ब्यूटी पॉइंट उनका ब्रांड बेच कर भी उनका चाहता नहीं है, उनके लिए सर का दर्द बना हुआ है कि लीगल नोटिस आए जा रहे हैं. तो भाई आप लोग जो भी लोग मेबेलिन के बने हुए हैं ऑफिशियल पार्टनर, रिटेल पार्टनर्स, ज़रा आप सोचें आप लोग क्या कर रहे हैं. अभी अभी रमज़ान ख़त्म हुए हैं, ईद गई है भाई, उसी अल्लाह के लिए रोज़े रखे ना आपने जिस अल्लाह ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हबीब बनाया था. वही अल्लाह है ना जिसने का अपना क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा. सर क्या मुँह दिखाएंगे आप, क्या जाके बोलेंगे कि जो लोग आपके स्केचेस बना रहे थे, जो जियो ऑनर्स मस्जिद अक्सा में जीव इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे, हम उनका अप्रिसिएशन लेटर लेके आए हैं कि हम उनके टॉप सेलर हैं. वेल ये सबका अपना अपना है, और आप लोगों की भी शायद एंड में यही रीज़न होगा, वी आर जस्ट बिग प्रोफेशनल, वी डो नॉट वॉन्ट टू मिक्स अवर बिजनेस इंटरेस्ट विद अवर रिलीजियस सेंटिमेंट्स, दैट्स फॉर यू टू डिसाइड. खैर मेरा स्टैंड साफ है, आई एम अगेंस्ट लोरिया, as simple as clear as that, black and white. I am against L'Oreal. मुझे L'Oreal की कोई वाह नहीं चाहिए, और अगर मैं बाइकआउट कर भी दूँ तो 20 करोड़ लोगों का बाइकआउट नहीं करवा सकते. Forget it. आप 20,000 सेलर जो बैठे हुए हैं कि होलसेल मार्केट्स में, उनसे बाइकआउट नहीं करवा सकते. Forget it. उन्हीं के माल पे मैंने प्राइस वो कर दिए हैं कि वो बेचारे, उनको जो उनके सेलर्स हैं उनके लिए वायबल नहीं है बिजनेस करना. एंड इवेंचुअली अगर मेरे साथ इंशाल्लाह 4-5 लोग और मिल जाते हैं, 4-5 सेलर, तो आई डोंट थिंक सो L'Oreal विल स्टे हियर फॉर एनी लॉन्गर. इवेंचुअली दे विल हैव टू वाइंड अप. कुछ साल लगेंगे अगर हम लोग सब अपना ब्रांड बना लें. उसकी एग्जांपल देता हूँ, अभी रमज़ान से एक हफ़्ता पहले उसका एक L'Oreal का हेयर मास्क आता है, आई थिंक दैट इज़ अराउंड 3200. हम लोगों ने वो 2400 या 2200 में ऑफ़र कर दिया था, जो एक्सपर्ट सीरीज का जो मास्क आता है. एक हफ्ते के अंदर L'Oreal ने उसके प्राइस कम कर दिया अपने सारे प्लेटफॉर्म्स पे,
और उसकी डील बनाना शुरू कर दी खादी के साथ, खादी सूट्स के साथ और अलकरम स्टूडियोज़ पे, और उसकी उन्होंने डील बनाना शुरू कर दी। ये खादी और अलकरम स्टूडियो वाले क्या कर रहे हैं यार, ये लोग क्या सोच नहीं रहे कि ये लोग किन लोगों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। खैर, इट्स नॉट अबाउट खादी और अलकरम स्टूडियो, बहुत लंबी लिस्ट है जो इनके साथ हैं, इनके फ्रीक्वेंट पार्टनर्स बने हुए हैं एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ इट। अगेन, दे आर जस्ट बीइंग प्रोफेशनल, दे डोंट वांट टू मिक्स देयर बिजनेस इंटरेस्ट विद देयर रिलीजियस सेंटीमेंट्स। तो मेरा इंस्टेंस बिल्कुल साफ है कि जब तक मैं इस फील्ड में हूँ, ये मुझे नहीं डरा धमका सकते ये लीगल नोटिस से। नाउ दे कैन नॉट डू इट। द ओनली वे टू एंड इट कि भाई आप ऑफिशियली अपोलॉजी करो कि आपके जो फ्रेंच प्रेसिडेंट बोल रहा है, यू कंडेम दिस, इसराइल में जो हो रहा है, यू कंडेम इसराइली टेररिज्म अगेंस्ट फलस्तीन्स, एंड दे विल नेवर डू इट बिकॉज दे नो दे कैन नॉट डू इट। इसलिए वो खुद ही वो है भाई, वो कैसे करें, वो नहीं कर सकते। या मैं ये बोलता रहूँगा और मैं हर आए दिन लिखता रहूँगा, लीगल नोटिस कैन नॉट स्टॉप मी, ये बोलता रहूँगा मेबेलिन चाइना और निक्स प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है, निक्स फ्रॉम रॉयल पाकिस्तान एंड निक्स फ्रॉम यूएसए, इन्हीं के प्रोडक्ट्स पे मैं इनका सर का दर्द बना रहूँगा जब तक मैं इस ऑफकोर्स जब तक कॉस्मेटिक फील्ड में मैं अपनी आवाज़ रेज करता रहूँगा। एंड आई एम वेरी ग्लैड, अल्लाह का लाखों शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इस दौर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के 1450 साल के बाद मुझे मौका दिया कि मैं उनकी इज्जत नामूस के लिए लड़ सकूँ, कि मैं यहूद से लड़ सकूँ। अब ज़ाहिर हम कराची में, पाकिस्तान में हम यहूदी कहाँ ढूंढेंगे भाई, हम लोग फ्रेंच कहाँ ढूंढेंगे कि कहाँ है भाई। तो हम वो लोग ढूंढ सकते हैं जो यहूद इंटरेस्ट को, फ्रेंच इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करते हैं, वो हमारे जैसे ही लोग हैं, मुसलमान नाम वाले, मुसलमान दिखने वाले, लोरियाल का जो डॉन है, क्लिफ्टन में ऑफिस है, वहाँ बैठे हैं 30-40 लोग जो की पोजीशन पर बैठे हैं, ये हैं वो लोग जो इनको इंटरेस्ट कर रहे हैं। हम तो यहाँ तो यहूदी नहीं मिलेंगे, या तो यहूदी के पपेट से मिलेंगे जो यहूदी से इंटरेस्ट सेफ गार्ड करते हैं, जियोज इंटरेस्ट सेफ गार्ड करते हैं। ओके, फाइनली एक मैसेज मेरा उनके लिए, लॉयर्स के लिए, जो लॉयर जो लॉ ऑफिस मुझे लीगल नोटिस भेज रहे हैं। देखो भाई, हर फील्ड, दुनिया की हर फील्ड, चाहे वो कारोबार हो, जॉब हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम प्राउड फील करते हैं, जो हम अच्छा काम कर रहे होते हैं, जो हमें पता होता है कि अल्लाह इससे राज़ी हो जाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें गिल्ट होता है, उस पर हम अल्लाह की करीमी और अल्लाह की गफ्फार सिफत पे उम्मीद रखे होते हैं कि अल्लाह ये हमारी खताएं माफ़ कर देगा, और हम ये सोच के होते हैं कि यार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हर उम्मती को जन्नत में ले जाएंगे। कुछ चीज़ें वो होती हैं जिस पर हम फख्र करते हैं, कुछ चीज़ें वो होती हैं जिस पर हम इन चीज़ों से दिल को और मुतमइन करते हैं कि हुज़ूर सल्लम हर उम्मती को जन्नत में ले जाएंगे। तो भाई, लॉयर में, लॉयर की फील्ड में ऐसे कितनी जगह हैं जहाँ पे वो अल्लाह की बख्शिश की उम्मीद रखता है, हुज़ूर सल्लम की सिफारिश की उम्मीद रखता है। सर, आप ही लोगों के बीच में कुछ लॉयर ऐसे हैं जो लीगल नोटिस भेज रहे हैं मुझे फ्रेंच कंपनी का, मतलब यार आप लोग जी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश की उम्मीद पे अपने मामलात कर रहे हैं, उसी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपोजिट खड़े हो गए हैं और लीगल, अच्छा लीगल नोटिस में इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताना भूल गया, लीगल नोटिस में है क्या, लीगल नोटिस में वो कह रहे हैं कि भाई आप नेक्स और मेबेलिन का लोगो यूज़ कर रहे हैं विदाउट देयर परमिशन। नेक्स, मेबेलिन का लोगो ऑन इंस्टाग्राम पेज विदाउट देयर ऑथराइजेशन। भाईजान, आप लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्केच बना रहे हैं, कंडेम भी नहीं कर रहे, इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे, और आपको मुझसे इशू है कि मेबेलिन और निक्स का मैं लोगो यूज़ कर रहा हूँ। ज़बरदस्त, इन लोगों को प्रॉब्लम है कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे जो ऑनलाइन टीम है, उन्होंने ये ऐसे इंप्रेशन दिए कि मेबेलिन लोरियल पाकिस्तान का जो प्रोडक्ट है वो फेक है। मैंने किसी पोस्ट पे, मेरी किसी ऑनलाइन टीम ने ये पोस्ट नहीं लिखा कि मेबेलिन चाइना इज फेक, मेबेलिन चाइना इज़ नॉट द सेम क्वालिटी एज अ यूएस वेरिएंट, सिंपल इज दैट।
और मेबेलिन जितना भी बोलता रहे, लोरियल जितना भी चीखता रहे कि प्रोडक्ट सेम है, मेरे लिए मैटर करता है व्हाट कस्टमर सेज। दोबारा से सीधी सी एग्जांपल वापस रिपीट करता हूँ, अगर कस्टमर कह रहा है कि डव शैम्पू, ट्रेस्मे शैम्पू, सनसिल्क शैम्पू जो दुबई में मिल रहा है और जो कराची में मिल रहा है वो सेम है, पूरे पाकिस्तान में एक कस्टमर मुझे ऐसा मिल जाए जो नहीं मिला, तो मैं मान लूँगा सेम है। मैं यूनिलीवर की बात नहीं मानूंगा कि प्रोडक्ट सेम है, मुझे एक कस्टमर दिखा दो जो कह दे कि डव, ट्रेस्मे, सनसिल्क जो मिडल ईस्ट में मिल रहा है, जो यूरोप में मिल रहा है, देयर इज सेम एज यूनिलीवर कराची प्रोडक्ट। इसी तरह मुझे कोई एक कस्टमर दिखा दो जो कह दे कि मेबेलिन का यूरोपियन वेरियंट, मेबेलिन का US वेरियंट इज सेम एज अ चाइनीज वेरियंट। सर अगर वो कह भी देना एक ही है, तब भी जो लोरियाल के साथ जो भी सीन चल रहा है ना, वो चल रहा है, वो दूसरी जगह चला गया, वो चला गया फ़लस्तीन एंड इसराइल और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उन्होंने स्केच को कंडेम नहीं किया, ये ख़त्म नहीं होने वाला। तो बाकी जितने सेलर हैं, एक मरतबा फिर भाई अपने जो भी हमारे वी मे है लाइक से अ बिजनेस कॉम्प्लेक्स, बिजनेस कॉम्पिटिशन, लेट्स पुट देयर ऑन साइड, लेट्स वर्क फॉर अ ग्रेटर पर्पस। हम लोग अपना एक एक ब्रांड बनाते हैं आने वाले सालों में, कि कंज्यूमर जिसके पास आज चॉइस नहीं है, आने वाले 5 साल में 4 साल में कंज्यूमर के पास 10 चॉइस लोकली हो और वो ब्रांड्स हो जो इंटरनेशनली क्वालिटी सर्टिफाइड हो, जो इनको पता हो कि दे आर बेटर प्रोडक्ट्स। वी डोंट नीड लोरियल, वी डोंट नीड मेबेलिन, वी डोंट नीड निक्स प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान। व्हाई वुड वी, अगर हम लोग के पास 10 लोग 10 ब्रांड बना लें, वी डोंट नीड दैट। तो यही एक छोटा सा मैसेज था, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सॉरी, जो लोग स्किप करना चाहें वो कर दें। अच्छा, वीडियो का जो लास्ट पार्ट है वो ये है कि अब नेक्स्ट क्या कर, नेक्स्ट क्या होना है, ये बहुत सारे लोग ना देखना चाहे तो ना देखें, लेकिन जस्ट स्किप इट है ली। यार ये अराउंड एक महीना पहले तेरी के लगभग पाकिस्तान वालों ने काफ़ी धरने जुलूस किए थे पूरे पाकिस्तान में, और कुछ उसमें आई विल नॉट सपोर्ट मोस्ट ऑफ देयर थिंग्स, कि उन्होंने लोगों की गाड़ियां जला दी और उसमें लोग अपनी जानों से भी चले गए, देयर इज सो सैड, होना नहीं चाहिए था ऐसा, कि हम ऐसे जलसे जुलूस कर रहे हैं कि हम अपने ही लोगों की गाड़ियां जला रहे हैं, अपने ही लोग हमारी जान से चले गए, और इससे यहूद और फ्रेंच को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दिल ही दिल में वो तो यार खुश हो रहे होंगे, देखो यार क्या पाकिस्तानी क्या मुसलमान कौन है आपस में एक दूसरे को मार रही है। भाई आपस में आप लोगों को एक दूसरे को मारने की ज़रूरत नहीं है, आप उन लोगों को टारगेट करने की ज़रूरत है, आप उन लोगों को पॉइंट कीजिए जो यहाँ पे बैठ के फ्रेंच इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर रहे हैं, चाहे वो फ्रेंच, चाहे वो लोरियल पाकिस्तान के ऑफिस में बैठा हुआ है, चाहे वो लोरियल पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर है, चाहे वो लोरियल का फेवरेट रिटेलर्स की टीम है, ये वो लोग हैं जो उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर रहे हैं। आपने रैंडमली जाके लोगों को तंग करना है यार, आई वुड नॉट रिकमेंड दैट, नो, दिस जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन। लेकिन लोग जाहिर है थोड़े जज्बाती हैं, उनको भी नहीं पता था कि उसको वो क्या कर गया है जो कि गलत हो गया। बट नाउ ये वीडियो मुझे असल में ईद से पहले बनानी थी, लेकिन कुछ मेरे थोड़ा बिजी हो गया था। तो इसी चीज़ को लेकर के आगे के लाइन में मुझे अगर कोई शख्स, ऐसा शख्स जो वीडियो को देख रहा है जिसके इर्द गिर्द कुछ उलमा और मुफ्ती हजरात हैं जो आज भी दर्स व तदरीस के अमल से जुड़े हुए किसी मदरसे में, तो सर प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं अपना डायरेक्ट नंबर इस वीडियो के साथ लगा देता हूँ। सो एक शूरा बनाते हैं कि इसको आगे से किस तरह लेना है, और जो लोग इस फ्रेंच और इजरायली इंटरेस्ट को इस मुल्क में सेफ गार्ड कर रहे हैं एज अ मुस्लिम, एज अ इन 2021, आज के क्या, आज का हमारा इस्लाम क्या कहता है, आज का हमारा जिहाद क्या है, एक शूरा, शूरा बहुत सारे लोगों को नहीं पता, शूरा एक कमेटी होती थी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से, एक सुन्नत अमल है कि मशवरे से काम किया जाता था। तो मैं चाहूँगा कि अगर कोई आलिम मुफ्ती जो आज भी दर्स व तदरीस के अमल से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे आलिमों की एक शुरा बनाई जाए और आने वाले
जो है एक एज़ अ उम्मत एक लाए अमल बनाया जाए कि क्या किया जाए. नेक्स्ट वीक और प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ दिस वीक मेरा क्वेटा की तरफ बलूचिस्तान के कुछ जगहों का विज़िट है. तो उस तरफ के अगर कोई लोग सुन रहे हैं और जो मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन का दर्द और हुज़ूर के ऐसे सदम के जो स्केचेस बने उसका गुस्सा रखते हैं अपने दिलों में, तो मुझसे कॉन्टेक्ट करें. लेट्स मीट एंड लेट्स डिसाइड व्हाट कैन बी डन. मैं अपना नंबर इस वीडियो पर डाल दूँगा. सो प्लीज आप किसी को जानते हैं उसको मेरा नंबर फॉरवर्ड कर दें. लेट्स कोलैबोरेट. अच्छा, और सबसे आखिर में लोरियल पाकिस्तान और लोरियल व्हाटएवर यू से इट, लोरियल पेरिस और लोरियल पाकिस्तान, भाई इनके पास एक बहुत ब्लॉगर्स की अच्छी खासी टीम बनी हुई है. दे हैव अ आर्मी ऑफ सोशल मीडिया पीपल एंड आई एक्सपेक्ट दैम कि वो लोग अब ऑनलाइन लिखना शुरू करेंगे ब्यूटी पॉइंट के अगेंस्ट. दैट्स ओके, आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट. मे बी इस वीडियो के बाद तो अगर फेसबुक या यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे वीडियो चलती भी है तो मे बी माई अकाउंट विल गेट सस्पेंडेड. दैट्स ओके, आई एम नॉट टू वरीड अबाउट दैट. भाई आज नहीं तो कल मुझे कुछ सालों में मरना है. आई एम नॉट टू वरीड अबाउट दैट कि ये हो जाएगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा तो क्या होगा. दैट्स ओके. और जो भी इनके सोशल मीडिया टीम है और जो भी इनके ब्लॉगर्स हैं अगर ब्यूटी पॉइंट के बारे में, they can say whatever they want. Simple. और लोरियल पाकिस्तान और लोरियल के ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं भाई, आप भी ज़रा देखें क्या कर रहे हैं आप लोग. और अपने आवाज आप लाइक जस्ट इवेल्यूएट योर सेल्फ, आप लोग क्या कर रहे हो. इसलिए कि देखो डीप इन योर हार्ट यू नो कि यू आर विद द रॉन्ग फर्म. एंड अल्लाह कह रहे हैं कि योर वर्स्ट नाइटमेयर डोंट बिकम अ रियलिटी, कि आपको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी अजाब का सामना हो. आप लोग जब लोरियल पाकिस्तान लोरियल जब भी आया होगा पाकिस्तान में, सो आई एम श्योर दे वुड हैव डन देयर होमवर्क डेमोग्राफिक कि कितने लोग हैं, कितनी मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, एज ग्रुप क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. भाई आप ये भी सोच लो कि ये 20 करोड़ मुसलमानों का मुल्क है. इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो आपके साथ हैं, जो आपके आई डोंट वांट टू से इट बट आई विल से इट, जो आपके पालतू हैं. लेकिन कोई ना कोई तो होगा ना सर, जो आप 22-20 करोड़ के आवाम में से कुछ 100 लोग ऐसे होंगे जो आपके लिए सर का दर्द बनेंगे. सब आपके पालतू नहीं हो सकते, सबको आप नहीं खरीद सकते, सबको आपकी वाहवाही नहीं चाहिए. तो भाई प्लीज़ try to get a better job, या तो accept कीजिए कि you are safeguarding French interest, you are safeguarding Jews, Israeli interest, और या आप भी वही excuse दे दे we are just being professional, we don't want to mix our career with our religious sentiments. मैं मुझे तो ये legal notice जो है ना इस पर बड़ा मुतमइन हूँ, क्योंकि आज की तारीख में मैं मर भी जाऊँ. So that's my hope ke ya allah kuch na kuch sar ka dard karke aaya hu. And by the way agar aap log soch rahe ho ki Kamran Khan beauty point ruk jayega ye sab karne se to ye hone wala nahi hai sir. Jab tak main is field mein hu, jab tak zinda hu, main ye karta rahunga. Aur main I would make an organization to like you know to collaborate to deal with people like you who are safeguarding French and Israeli interest in this country, in Pakistan. भैया आपको उसके लिए रोकने के लिए ना, आप ज़ाहिर इसराइल को कंडेम नहीं कर सकते, आप फ्रेंच प्रेसिडेंट को कंडेम नहीं कर सकते, इसलिए कि वो आप लोग खुद हैं. आपको अगर ये रुकवाना है तो लीगल नोटिस ना दें, आपको ये जो शख्स है इसको मारना पड़ेगा. कराची में रहता हूँ भाई, अस्करी 4 एक इलाका है. आप यहाँ मुझसे जब चाहेंगे मैं आपके मेरे घर आ जाएँ फजर और असर के बाद, मैं अक्सर अपनी अस्करी 4 की मस्जिद में ही होता हूँ, मिल लें मुझसे. आपको इस शख्स को जो ये है इसको मारना पड़ेगा.
वैसे ये मामला लीगल नोटिस से हल होगा नहीं। तो लीगल नोटिस यार वो दिस दिस, अगर जेल भी हो जाए तो भाई मैं खुशकिस्मत होऊंगा कि आज के दौर में कोई मुझे कोयले पे नहीं लेटा रहा अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, जेल भेज रहा है। और बाय द वे इन लोगों के जाहिर है यहूद और नसारा, इनके सारी दुनिया में दे हैव पावर्स, दे हैव कनेक्शंस। मुझे भाई या तो आप लोग गायब करवा दो, इतने टुकड़े करवा दो कि सिर्फ कयामत के दिन अल्लाह ही इसको जोड़ सके, बाकी तभी कामरान खान को आप रोक सकते हैं। कामरान खान को आप डरा धमका के नहीं रोक सकते। बात मेरी नहीं है, बात हो रही है मुसलमान की। किसी भी मुसलमान को जिसके दिल में ईमान है, जिसके दिल में ईमान है कि उसको अल्लाह के सामने खड़ा होना है मरने के बाद, वो मुसलमान जिसको ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत ही कहता है, जो हुजूर सल्लम के इज्जत के लिए जान दे सकता है, जो फलस्तीन अपने किलावर के लिए जान दे सकता है, उसको आप नहीं रोक सकते। मुझे नहीं, मेरे जैसे कई सैकड़ों होंगे, हज़ारों होंगे, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है ऐसे लाखों होंगे इस मुल्क में, तो आप नहीं रोक सकते। वेल एनीवेज, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही, तो इस वीडियो पे एंड में मैं अपना नंबर दोबारा दे देता हूँ, जो लोग मुझसे जुड़ना चाहें लेट्स कोलैबोरेट। वो बाय द वे जब ये वीडियो मैं बना रहा था तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि यार ये वीडियो बनाएगा यू विल लूज योर क्लाइंटेज, इसलिए बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं दे डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन दिस, दे डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन दिस। तो भाई आप लोग ज़्यादा फिक्र ना करें, डोंट गेट इन्वॉल्व। आप देखें आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल रहा है, अच्छा प्राइस मिल रहा है, जस्ट बाय द प्रोडक्ट, दिस योर चॉइस। आपको ब्यूटी पॉइंट का बाइकआउट करना है, यू कैन डू इट, दैट्स ओके। मुझे ये पता है कि अगर मेरा रिजक, मेरी कमाई, मेरे बच्चों की कमाई अल्लाह के हाथ में। If someone wants to bike out, then fine, I'm okay with that. मुझे ये उम्मीद है कि मैं मुसलमानों के मुल्क में हूँ, अगर चार लोग मेरा बाइक आउट कर भी देते हैं तो आई होप अल्लाह की ज़ात से कि आई विल गेट 40 अदर्स, सो आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और आई मे बी रॉन्ग ऑन लॉट ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, ज़रूरी नहीं आप लोग मेरी बात से एग्री करें, but I would say okay, learn to agree with disagreement. So main aapke agar opinions meri baaton ke against hai, so I appreciate your opinions, I respect that, lekin ye mera opinion tha. Aur loyal ke sath mere sath abhi hum log ke mamlaat kya chal rahe hain is bare mein video banane ka kaha tha to video bana di maine। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।